हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। जो भी स्टूडेंट्स इस सेशन में यानी 2020-2021 सेशन जो है, जो भी एग्जाम आपके मार्च में स्टार्ट होने वाले हैं, बोर्ड एग्जाम क्लास 10th की सभी स्टूडेंट्स के लिए इस सेशन में हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर के आए हैं, जिसमें आपको मैथ्स का पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है, कैसा पेपर आने वाला है, क्या क्या आपकी जो भी क्वेरीज इससे रिलेटेड है, उम्मीद है कि आपकी सारी क्वेरीज के बाद रिजॉल्व होने वाली है। तो इस वीडियो को आप पूरा देखें और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने सभी फ्रेंड्स के साथ या कोई भी जो नोन है, जो भी स्टूडेंट है टेंथ का एग्जाम देने वाला है उसके लिए ये बहुत बहुत ज्यादा हेल्पफुल वीडियो है, तो सबके साथ आप शेयर कीजिएगा। तो चलिए बिना देरी किए ही हम स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो मैक्सिमम मार्क्स होंगे पेपर के वो है 80 मार्क्स जो होते हैं आपके, वो एग्जाम के होंगे, मतलब कि थ्योरी के होते हैं, और 20 जो होते हैं वो आपको आपके स्कूल वाले लगाएंगे जो कि इंटरनल असेसमेंट के मार्क्स होंगे। तो इससे 80 मार्क्स का कितने क्वेश्चन आएंगे, कैसे डिवीजन होगा वो मैं आपको समझा देती हूँ। तो इसमें होंगे आपके एग्जाम में दो पार्ट आते हैं, पार्ट ए एंड पार्ट बी। 1 से लेकर के 36 तक 36 क्वेश्चंस रहते हैं पेपर में, और 1 मार्क, 2 मार्क, 3 मार्क्स और 5 मार्क्स क्वेश्चन होते हैं। तो जो सारे सिलेबस जो है आपका, जो भी एनसीईआरटी में दिया गए हैं सारे चैप्टर्स, उनको उसी कंटेंट से ये तैयार किए जाते हैं। तो देखिए चलते हैं, देखते हैं कौन से कितने मार्क्स से किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहले बात करें हम पार्ट ए की, तो उसमें 2 सेक्शन आते हैं, सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2। सेक्शन 1 जो होता है उसमें 16 क्वेश्चन होते हैं, 1 से लेकर 16 तक, और सारे क्वेश्चंस जो है वो 1 मार्क ईच होते हैं। तो यानी कि 16 मार्क्स का जो है आपका सेक्शन फर्स्ट होता है। देखिए ओवरऑल जो होती है कोई चॉइस नहीं होती है, जितनी भी चॉइसेस होती हैं पेपर में वो इंटरनली आपको दी जाती है। तो इसमें सेक्शन 1 में आपको 16 क्वेश्चन मिलने वाले हैं, जिनमें से 5 क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनमें आपको 2 में से 1 अटेम्प्ट करना होगा, मतलब और देखिए आपको इंटरनल चॉइस दी जाएगी। और एक बात का सभी बच्चे अच्छे से ध्यान रखेंगे कि आपको चॉइस में से सिर्फ 1 ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आना है। अगर आप 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं तो उसमें से जो ऊपर वाला होता है वही आपका काउंट होता है, वेदर इट इज राइट और रॉन्ग मैटर नहीं करता, लेकिन काउंट वही होगा जो आपने ऊपर किया है। और आप जो पेपर अटेम्प्ट करेंगे वो बिल्कुल सीरियल वाइज, क्वेश्चंस को सीरियल वाइज आप अटेम्प्ट करेंगे, तो ये एक अच्छा प्रेजेंटेशन का अच्छा ढंग भी होता है और चेकर के लिए भी इजी हो जाता है। तो इसमें आपको मैंने बताया है कि 16 क्वेश्चन आएंगे, जिनमें से 5 क्वेश्चंस जो होंगे उनमें इंटरनल चॉइस होगी, ओवरऑल कोई चॉइस नहीं होगी। तो उसके बाद आता है आपका सेक्शन 2। सेक्शन 2 के अंदर 17 से लेकर 20 तक यानी कि 4 क्वेश्चंस होंगे, और हर जो क्वेश्चन होता है उसके सब पार्ट होते हैं। ये जो होता है ये अभी पिछले भी सेशन हुआ था वहीं से स्टार्ट हुआ है कि इसमें केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, जिसमें आपकी आपके स्कोर को इम्प्रूव करने के लिए जो है बोर्ड ने कमेटी ने ये सेक्शन ऐड किया है। तो इसके अंदर आपको 4 क्वेश्चंस दिए जाएंगे और हर क्वेश्चन जो है इक्वल मार्क्स कैरी करेगा, 4 मार्क्स। हर क्वेश्चन के सब पार्ट्स होते हैं, 5 सब पार्ट आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें से आपको कोई 4 जो है अटेम्प्ट करनी है, मतलब ओवरऑल क्वेश्चंस में कोई चॉइस नहीं है लेकिन सब पार्ट्स के अंदर है। आपको 4 क्वेश्चंस जो होंगे उसके हर सब पार्ट में 5 5 पार्ट मिलेंगे, उन 5 में से आपको जो 4 आते हैं वो आप 4 अटेम्प्ट करके आ सकते हो। तो इस तरीके से 4 4 16, तो 16 मार्क्स का ये और 16 का ये, टोटल 32 मार्क्स का जो होता है ये आपका पार्ट ए होगा। फिर आता है पार्ट बी। पार्ट बी में क्या होगा, इसमें आपको 6 क्वेश्चन जो मिलेंगे 21 से 26 तक, वो आपको वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस के फॉर्मेट में मिलते हैं, जो 2 मार्क्स का ईच होता है, 2 मार्क्स ईच जो है क्वेश्चन कैरी करता है, और इसमें भी ओवरऑल चॉइस नहीं होती है। देखिए जो 2 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं इनमें से कोई 2 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे आपको जिनके अंदर आपको इंटरनल चॉइस देखने को मिलेगी। फिर आते हैं आपके 27 से 33 तक, यानी कि 3 मार्क्स के क्वेश्चन, जो कि 7 क्वेश्चन होंगे, 21 मार्क्स इन टोटल होगा, और इनमें भी किन्हीं 2 क्वेश्चन
क्वेश्चंस के अंदर जो है आपको इंटरनल च्वाइस देखने को मिलेगी। फिर बात करते हैं हम लॉन्ग आंसर्स की, तो फोर मार्क्स की जो है कोई क्वेश्चन नहीं आता है पेपर में, सीधा 5 मार्क्स के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। और इसमें 34 से 36 तक 3 क्वेश्चन इसके अंदर रहेंगे जो 5 मार्क ईच क्वेश्चन जो है वो कैरी करेगा। तो इसके अंदर केवल 1 क्वेश्चन ऐसा मिलेगा आपको जिसमें च्वाइस होगी। तो एक बार मैं फॉर्मेट फिर से जल्दी जल्दी से आपको एक बार फिर से समझा देती हूँ कि इसमें फर्स्ट जो सेक्शन होगा उसमें 16 क्वेश्चंस होंगे कैरिंग 1 मार्क ईच एंड 5 क्वेश्चंस विद इंटरनल च्वाइस। सेक्शन 2 के अंदर केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन होंगे, 4 क्वेश्चंस होंगे, 5 सब पार्ट होंगे हर क्वेश्चन के, हर क्वेश्चन से आपको 4 सब पार्ट जो है वो अटेम्प्ट करने हैं। फिर पार्ट बी की अगर बात करें तो 6 क्वेश्चंस होंगे जो कि 2-2 मार्क्स के होंगे, उनमें से 2 क्वेश्चन में इंटरनल च्वाइस रहेगी। 3-3 मार्क्स के आपको 7 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, उनमें से भी 2 क्वेश्चन में इंटरनल च्वाइस होगी। 5 मार्क्स के जो क्वेश्चन है वो 3 क्वेश्चन आपको आते हैं, किसी एक क्वेश्चन के अंदर जो है आपको इंटरनल च्वाइस देखने को मिलेगी। इस तरह से जो है आपका लेआउट जो होता है एग्जाम का वो तैयार किया जाता है। 80 मार्क्स का जो पेपर होता है वो इस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। अब मैं आपको बताऊंगी कि किस चैप्टर से कितने नंबर जो है, कितने मार्क्स का जो है क्वेश्चन आता है, कितने मार्क्स हर चैप्टर जो है वो कैरी करता है। तो अब हम आपको बताएंगे कि किस चैप्टर से जो है कितने मार्क्स का पेपर जो होता है आने की संभावना है, मतलब ब्लूप्रिंट हम आपको पेपर का देंगे। उसी हिसाब से अगर आपने अब तक भी तैयारी स्टार्ट नहीं की है, और या फिर जैसे कि कोरोना आउटब्रेक की वजह से आपकी क्लासेस नहीं लग पाई थी, या जैसे भी था तैयारी नहीं की है, तो किस तरह से आपको तैयारी करनी है, कौन सा चैप्टर जो है कितने मार्क्स का होगा, कितना स्कोर करेगा, तो वो मैं आपको बता देती हूँ। तो देखिए, जो चैप्टर 1 है रियल नंबर, उसमें से 7 मार्क्स का जो है वो पेपर बनेगा। तो 7 मार्क्स के अंदर देखिए आपको, मैं आप स्किप करके वीडियो ना देखिए, क्योंकि आपके लिए हर एक पॉइंट जो है वो इम्पोर्टेंट है। तो मैं बता दूं, इसमें से एक क्वेश्चन जो आता है आपका, क्योंकि यूक्लिड डिवीजन लेमा जो है वो इसमें आपका कटा है, तो इसमें से जो 7 मार्क्स का आएगा उसमें आपका बनता है कि किसी भी नंबर को, जैसे इरेशनल प्रूफ करना वो इम्पोर्टेंट जाता है, कोई भी नंबर आपको दिया है उसको उसके प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में लिखना, एक वो क्वेश्चन इम्पोर्टेंट जाता है। फिर एचसीएफ और एलसीएम का जो कंसेप्ट है कि आपको जैसे 2 नंबर है उनमें से एक नंबर दे दे और एचसीएफ एलसीएम बता दे, तो कि आप कैसे फाइंड आउट करेगी, वो कंसेप्ट आपका इम्पोर्टेंट जाता है। तो और जो भी नंबर आएंगे वो किस फॉर्म में आते हैं, जैसे कि प्रूव करो कि ये नंबर जो है इस फॉर्म में आएगा, तो ये चीजें जो है आपको इस चैप्टर से कवर करनी है। उसके बाद बात करें अगर सेकंड चैप्टर की, पॉलिनोमियल्स की, तो उसमें से 4 मार्क्स का जो है आपके पेपर में आने की संभावना है। इसमें जो है आपको सम ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ये जो है आपको अच्छे से कवर करनी है। फिर आता है थर्ड चैप्टर जो कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स है। इसमें से जो है ये काफी स्कोरिंग चैप्टर है, तो इसमें से 8 मार्क्स का आपका आने वाला है। तो इसको आप जो है इक्वेशन जो है बहुत सिंपल है, और आप उसमें से कुछ क्वेश्चन जो है इस चैप्टर से स्टेटमेंट वाला कंडीशन बेस्ड जो है वो इसमें से कट भी हुआ है, तो आप इसको अच्छे से तैयार कर सकते हैं, क्योंकि ये 8 मार्क्स जो है कैरी करेगा। तो और फिर बात करिए अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, तो यहाँ से जो है ब्लूप्रिंट जो मुझे मिला है सीबीएसई की साइट से, मैंने देखा तो वहां पे इस चैप्टर का सिर्फ 1 मार्क क्वेश्चन आने वाला है, तो उसके लिए जो है आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पर भी डिपेंड करके जा सकते हैं सिर्फ। देन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, एपी से आपका 5 मार्क्स का आता है। एपी में आपको सिर्फ 2 ही फॉर्मूले करने होते हैं, लास्ट टर्म वाला, nth टर्म का, और एक सम ऑफ एन टर्म्स का। तो ये भी काफी मतलब इजी चैप्टर है जो आप अपनी तैयारी में सबसे पहले सम्मिलित कर सकते हैं। फिर है 6th चैप्टर ट्राइंगल्स, वहां से 9 मार्क्स का पेपर आने वाला है। तो 9 मार्क्स की अगर बात करें तो एक थ्योरम जो है उसके आने की प्रोबेबिलिटी रहती है, और या फिर थ्योरम बेस्ड क्वेश्चंस, या फिर जो 1 मार्क क्वेश्चन आएंगे वहां पर भी इनके क्वेश्चंस इंक्लूड होंगे। तो आपको मैं बताऊंगी कि मैं आपको वो भी बता दूंगी कि काफी स्टूडेंट्स को डाउट था कि किस चैप्टर से कौन सा पोर्शन जो है डिलीट हुआ है, तो उसके हिसाब से कुछ थ्योरम्स मैं आपको इम्पोर्टेंट बताऊंगी, वो आप कर लीजिएगा। फिर बात करिए अगर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यानी कि 7th चैप्टर की, तो 7th चैप्टर से 6 मार्क्स का आने वाला है। इसमें जो लास्ट एक्सरसाइज है वो तो कटी हुई है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल जिसमें आपको निकालना था, तो वो
आया है तो आपके पास बहुत कम इसका पोर्शन है जिसकी आपको तैयारी करनी है, तो ये भी काफी स्कोरिंग चैप्टर हो सकता है और काफी इजी भी है, 6 मार्क्स ही कैरी करने वाला है। उसके बाद अगर ट्रिग्नोमेट्री की बात करें तो वहां से 6 मार्क्स का पेपर आता है और 6 में से आपको एक तो इवेल्युएशन का क्वेश्चन पक्का आएगा, क्योंकि उसमें आपको जो है वो टेबल थी कि कहां पर किस की वैल्यू कितनी होती है वो आप याद कर लीजिएगा। टेबल आप याद कर लेंगे तो उस क्वेश्चन को इजीली आप अटेम्प्ट करके आएंगे और एक क्वेश्चन जो है वो प्रूफ करने का आएगा जरूर, कि जहां पर आपको लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूफ करना होता है। फिर बात करें अगर हम 9th चैप्टर की एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, इसकी केवल एक ही एक्सरसाइज है एनसीईआरटी में आपके और 6 मार्क्स ये कैरी करता है। और मैं बता दूं आपको कि जो 5 मार्क्स क्वेश्चन आते हैं, मतलब कि जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आते हैं, उनमें से जो है इस चैप्टर का क्वेश्चन हमेशा देखने को मिलता है। फिर बात करें 10th चैप्टर की सर्कल्स की, तो ये आपके 3 मार्क्स कैरी करेगा, ये भी बहुत इजी चैप्टर है। कंस्ट्रक्शन जो है इसमें से भी क्वेश्चन आएगा, 4 मार्क्स आपका ये कैरी करेगा। एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स जो है ये 3 मार्क्स का आएगा और इसमें आपको सर्किल का जैसे कि सर्कमफ्रेंस और एरिया जो है वो आपको पता होना चाहिए, उसके बेसिस पर आप इजीली जैसे कि आपको कोई डिजाइन दे देते हैं और आपको उसमें से कुछ एरिया फाइंड आउट करना होता है तो आप बस उसको विजुअलाइज करिए फिगर को और आप इजीली ये निकाल सकते हैं। फॉर्मूला 2 ही फॉर्मूला है तो डायरेक्टली अप्लाई करके आप निकाल पाएंगे। देन 13th चैप्टर की अगर बात करें सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, इसमें से भी 7 मार्क्स का आपका पेपर आएगा और इसमें से सबसे जो जरूरी चीज है वो है आपको कि फॉर्मूला इसमें लर्न करने पड़ेंगे सारे, कि जो भी है सारे आप फिगर्स जो है उनको अच्छे से समझें और आपको ऐसे मतलब बहुत इजी ही होता है, सीधा फॉर्मूला अप्लाई करके जो है वो आपका आंसर आ जाता है। कैलकुलेशन आप जो है बस उसका ध्यान रखिए कि उसको एक तो यूनिट लगाना ना भूले आंसर्स में और एक कैलकुलेशन जो है उसको जितना सिंपल हो सके, जितना सरल हो सके उतना कैलकुलेशंस को बनाइए। फिर उसके बाद अगर बात करें 14th चैप्टर की स्टेटिस्टिक्स, तो स्टेटिस्टिक्स जो है ये 8 मार्क्स का आता है और इस चैप्टर के अंदर से भी जो है आपका एक 5 मार्क का क्वेश्चन जाता है जो आपके लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में आता है। तो मीन मोड मीडियन जो चीजें हैं आपको ये निकालनी होती है, तो इसमें से ये भी आपका और मीन मोड मीडियन का रिलेशन भी आपको पता होना चाहिए, ये आपको कंसेप्ट जो है इस चैप्टर में क्लियर करना है। फिर बात करें अगर 15th चैप्टर प्रोबेबिलिटी की, तो यहाँ से 3 मार्क्स का आता है और बहुत ही मतलब क्या कहें कि बच्चों के लेवल का, छोटे बच्चों के लेवल का है इस चैप्टर के अंदर, तो आप ये 3 मार्क्स जो है बिल्कुल फ्री के हैं आपके लिए। आप सिर्फ क्या क्या कंसेप्ट अपने क्लियर करिए, एक डाइस का कंसेप्ट क्लियर कर लीजिए, क्वाइंस का कर लीजिए और इसके साथ साथ आप एक कार्ड्स का कंसेप्ट जो है वो क्लियर कर लीजिए, तो आपके लिए पेपर जो है बहुत आपको बिल्कुल आसान लगेगा, कोई ज्यादा सिलेबस नहीं है इसमें। और अगर आप एनसीईआरटी कवर कर चुके हैं फिर आप कोई जो है एडिशनल बुक जो है वो आप परचेज कर सकते हैं, अदरवाइज मेरी जो एडवाइस है आपको, चाहे आप बेसिक के स्टूडेंट हैं चाहे आप स्टैंडर्ड के स्टूडेंट हैं, सबके लिए जो कंसेप्ट जो है ये वो सेम रहने वाला है कि कहाँ से कितने मार्क्स का आएगा, तो आप स्ट्रिक्टली आप एनसीईआरटी को फॉलो करें और उसके बाद जो है फिर आप जो भी आपको सीबीएसई की साइट से या किसी भी आपको ट्रस्टेड साइट से जो भी कोई क्वेश्चन पेपर मिलते हैं आप टाइमर लगाइए और उनको उतने टाइम के अंदर सॉल्व करके आप अपनी परफॉर्मेंस असेस कीजिए, सबसे बेस्ट तरीका ये होता है। लेकिन आप उनको जब आप एक बार पूरा सिलेबस कवर कर चुके हैं क्वेश्चन पेपर आप तभी उठाएं। अब मैं चलो इसके बाद आपको बताती हूँ कि कौन कौन से जो है टॉपिक वो कटे हुए हैं, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स को ये डाउट है कि कौन सा टॉपिक जो है वो कटा है और कौन सा है जो वो आना है, तो इस के रिगार्डिंग जो है आपका ये डाउट भी हम दूर करेंगे। तो मैं आपको बताती हूँ अभी तो क्या क्या किस चैप्टर से डिलीट हुआ है ये मैं आपको बता देती हूँ। और एक चीज और कि आप जो है ये जो मैं आपको बता रही हूँ, मैंने आपको ब्लूप्रिंट दिया, मैंने आपको ये बताया था कि किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, तो हर चीज का आप स्क्रीनशॉट जो है फर्दर रेफरेंस के लिए ले सकते हैं। तो देखिए इसके अंदर क्या है कि रियल नंबर जो है 1st चैप्टर आपका, उसके अंदर जो है वो यूक्लिड डिवीजन एल्गो जो है, यूक्लिड डिवीजन लेमा वो रिमूव हो गई है, ये आपको नहीं करना है। बाकी जो मैंने आपको बताया इंपॉर्टेंट कंसेप्ट की, इसमें से आपको एचसीएफ एलसीएम बेस्ड क्वेश्चन करना है
और इसमें से आपको किसी नंबर को इरेशनल प्रूव करना, किसी को प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में जो है लिखना आपको आना चाहिए। सेकेंड चैप्टर में जो है पॉलिनोमियल, उसमें स्टेटमेंट एंड सिंपल प्रॉब्लम्स जो भी डिवीजन एल्गो पर डिपेंड करती है विद रियल कोफिशिएंट, वो जो स्टेटमेंट वाली प्रॉब्लम्स है वो नहीं आएंगी आपको, वो इस बार के लिए रिमूव कर दी गई है। थर्ड चैप्टर जो लीनियर इक्वेशन है, उसमें से आपके बाकी मेथड्स तो आएंगे लेकिन क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड जो है ये उसमें से कटा है, तो इस मेथड को छोड़ के बाकी जो भी थे आपके सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, वो सब आपको करने हैं। फिर बात करें अगर फोर्थ चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, तो इसमें से भी सिचुएशन बेस्ड प्रॉब्लम्स जो है नहीं आने वाली। वैसे भी इसमें से सिर्फ 1 मार्क का क्वेश्चन आने वाला है, तो 1 मार्क में जो है आप उस पे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जो है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला को आप जो है सिर्फ इसके ऊपर आप डिपेंड होके जा सकते हैं, क्योंकि एक ही क्वेश्चन जो है 1 मार्क का आना है। तो बात करें अगर हम नेक्स्ट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की, तो इसमें जो है वो डेली लाइफ प्रॉब्लम्स जो है आपकी, जो लास्ट में जो आपको दी गई थी जिसमें कि सम निकालना था आपको कि कोई व्यक्ति है जो इतना कमाता है या ऐसे होता है, या जो भी प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन वाला था क्वेश्चन, तो मतलब जो भी लास्ट के क्वेश्चंस थे जिनमें आपको सम फाइंड आउट करना था, डेली लाइफ प्रॉब्लम्स बेस्ड थे, वो सारे के सारे क्वेश्चन जो है वो रिमूव कर दिए गए हैं। तो आपको सिर्फ nth टर्म का वो फॉर्मूला पता होना चाहिए और सम जो है आपको वो अच्छे से पता होना चाहिए, ताकि जो भी मिसिंग टर्म है, आपको कोई टर्म मिस करके दे दी जाए या फिर आपको जो है टोटल निकालने को बोला जाए तो आपको आना चाहिए। तो बात करते हैं हम 6th चैप्टर की, जो एक बहुत ही अपने आप में बहुत ही बड़ा भी चैप्टर है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है, ट्राइंगल्स चैप्टर। तो इसमें से जो है सबसे मेन चीज जो है कि एक थ्योरम हमेशा आती है, तो 2 थ्योरम जो है इसमें से कटी है, मतलब सिर्फ उनके बेस्ड क्वेश्चन नहीं कटे हैं, उन थ्योरम्स जो है उनके प्रूफ कटे हैं। तो आपको प्रूफ करके नहीं दिखाना है। एक तो थ्योरम ये है कि अगर 2 सिमिलर ट्राइंगल्स हों तो उनका जो एरिया होता है वो उनकी कोरस्पोंडिंग साइड्स जो होती है उनके रेशियो के स्क्वायर के इक्वल आता है, ये थ्योरम आपकी नहीं आने वाली। और दूसरा आपका कि कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, कि जिसमें आपको प्रूव करना होता है कि हाइपोटेन्यूज के ऑपोजिट वाला एंगल जो होता है 90 डिग्री का होता है, वो आपको नहीं करना, और इसके अलावा जो है जैसे थ्योरम्स वो आपको करनी है। तो मेरे हिसाब से जो जिन्होंने अभी तक तैयारी नहीं की है या इस चैप्टर की अच्छी तैयारी नहीं है, उनको मैं बता दूं कि इस चैप्टर के अंदर जो है आपको एक तो फर्स्ट थ्योरम जो है बीपीटी थ्योरम, या जिसको आप थेल्स थ्योरम भी कह सकते हो, वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इसका जो थ्योरम 6.2 है वो बहुत छोटी सी है, इसका कन्वर्स जो है वो क्वेश्चन की फॉर्म में आ सकता है। और फिर जो थ्योरम 6.3, 4, 5 है वो आपस में इंटररिलेटेड थ्योरम्स है। और अगर बात करें हम पाइथागोरस थ्योरम की, तो पाइथागोरस थ्योरम जो है ये भी एक आपकी बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, क्योंकि ये थेल्स थ्योरम के अलावा इसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो बहुत रहती है आने के एग्जाम में, तो ये आप अच्छे से कवर कर लीजिए। तो अगर 7th चैप्टर की बात करें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की, तो इसमें से जो है लास्ट एक्सरसाइज जिसमें ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करना है, वो एक्सरसाइज आपकी कट चुकी है। 8th चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री में से जो भी रेशियोज डिफाइंड 0 डिग्री एंड 90 डिग्री जो भी आपको करना था, वो जो है पोर्शन डिलीट हो चुका है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जो बेस्ड क्वेश्चंस थे वो आपके नहीं आएंगे। तो पर इसमें से जो लास्ट एक्सरसाइज है जिसमें लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूफ करना होता है, वो आप बिल्कुल भी स्किप ना कीजिएगा, क्योंकि वहां से जो है 100% आपका क्वेश्चन जरूर आएगा। और 11th चैप्टर, अगर 10th चैप्टर की बात करें सर्कल, तो सर्कल से कुछ भी जो है डिलीट नहीं हुआ है। 11th चैप्टर जो है कंस्ट्रक्शन चैप्टर में से जो भी आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज है जिसमें एक गिवन ट्राइंगल है, उसके सिमिलर ट्राइंगल जो बतानी है बनानी है, उसका कंसेप्ट जो है कटा है। 12th चैप्टर एरिया ऑफ सर्कल्स में से प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन सेंट्रल एंगल 120 डिग्री, तो वो प्रॉब्लम्स कटी है, वो आपके टीचर्स ने भी आपको बताया होगा, वो क्वेश्चन स्किप आपको करवाए होंगे, तो वो आपको नहीं करके जानी है। 13th चैप्टर जो है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, उसमें से जो लास्ट एक्सरसाइज में फ्रस्टम ऑफ कोन आता है,
छिन्नक का जो है पार्ट आपको बताया गया है कि कोन को अगर जो है आप बीच में से आप उसको हॉरिजॉन्टली अगर कट करते हैं तो उसमें से फिर आपको फ्रस्टम मिलता है और उसका जो एरिया या वॉल्यूम निकालना था वो यहाँ से कट गया है। वो मतलब पूरा टॉपिक ही आपको नहीं करना है। 14 चैप्टर स्टेटिस्टिक्स की बात करें तो इसके अंदर जो है आपको स्ट्रिप डेविएशन मेथड, जो कि आप मीन फाइंड आउट करने के लिए स्ट्रिप डेविएशन मेथड अप्लाई करते हो, वो इसमें से रिमूव हो चुका है और कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ जो है वो भी नहीं आने वाला है। तो इसमें से जो है आपको फिर से मैं बता दूं कि 5 मार्क्स का क्वेश्चन 100% इसमें से आएगा, तो उसके लिए आप मीन मोड मीडियन का जो निकालने का तरीका है वो आपको अच्छे से आना चाहिए। ग्राफ जो है आपको कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ वो बनाना नहीं आएगा। और 15 चैप्टर जो है प्रोबेबिलिटी, उसमें से कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है तो उसको आप अच्छे से कवर कर लें। और जो भी एक्सरसाइजेस जो होती हैं आपकी, जिसमें आपको नोट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू जो होती हैं ऑप्शनल एक्सरसाइजेस, वो आपके एग्जाम्स में नहीं आती है, उनको बताने की जरूरत नहीं है। उसमें आपको बुक में नीचे मेंशन भी किया होता है कि वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, तो आप उनमें अपना टाइम जो है बर्बाद ना कीजिए। जो मैंने आपको बताया है किस चैप्टर से कितना आना है, उसी हिसाब से आप अपनी तैयारी कीजिए, आप एक शेड्यूल प्रिपेयर कीजिए। और जितने मैंने आपको बताया कि अगर आप पूरी एनसीईआरटी जो है कवर कर चुके हैं तो रेदर देन आप किसी बुक की हेल्प ले, मेरी हिसाब से जो है दूसरी बुक्स की बजाय आप ऑनलाइन जो है पेपर डाउनलोड कीजिए, सैंपल पेपर्स जो है वो डाउनलोड कीजिए, टाइमर आप लगाइए और फिर अपनी परफॉर्मेंस को आप माप सकते हैं। तो देखिएगा आपके बिल्कुल बहुत अच्छा रिजल्ट आपका आने वाला है। और इसी उम्मीद के साथ जो है मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारा जो डिस्कशन है, जो मैंने आपको इम्पोर्टेंट चीजें जो बताई हैं मैथ्स के पेपर के रिगार्डिंग, वो आपको अच्छी लगी होंगी। और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियोस को सबके साथ, सभी फ्रेंड्स रिलेटिव्स जो भी 10th क्लास के स्टूडेंट्स हैं सबके साथ आप इनको शेयर कीजिए और हमें मोटिवेट कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लाइक्स दीजिए ताकि और दूसरे सब्जेक्ट्स के जो भी इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो भी मैं आपके लिए लेकर आ सकूं। और अगर रिस्पॉन्स आपका अच्छा रहता है तो हम जो है आपको एग्जाम से पहले कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है वो आपको कवर भी करवाएंगे आपकी चैनल पर। इट ओनली डिपेंड्स ऑन योर रिस्पॉन्स, बिकॉज हमारा जो मोटिवेशन है वो आपकी तरफ से ही होता है, आपके लाइक्स के ऊपर, आपका व्यू कैसा रहता है उसी के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कंटेंट कितना पसंद आता है। तो बाकी जो भी सब्जेक्ट्स हैं धीरे धीरे हम उनके भी आपको इसी तरह से आपको पैटर्न बताएंगे, आपको उसके इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स बताएंगे, आपको पेपर का कैसा लेआउट है आने वाला है उस वो आपके साथ हम डिस्कस करेंगे। तो इसी उम्मीद के साथ हम आपकी अच्छी स्वास्थ्य की कामना करते हैं और अच्छे से आप अपनी प्रिपरेशन कीजिए और अच्छा स्कोर कीजिए। थैंक यू।